जिंदा है नहीं। यदि मेरे वक्त में पेरियार होता तो पेरियार पर इतने जूते पड़ते कि वो जिंदा नहीं बचता। से कोई कितनी बकवास करता रहे, मैंने भी ठान रखा वो अपने काम करते रहेंगे, मैं अपना काम करूंगा। करोड़ों लोग अपने जैसे विचार के पैदा कर रहा हूं, लड़ लो, कर लो लड़ाई। तो ये जरूरत है आज की, दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए, स्वधर्म निष्ठा, स्वकर्म निष्ठा, स्वराष्ट्र निष्ठा, अपने पूर्वजों में निष्ठा, अपने देवी देवताओं में, अपने महापुरुषों में निष्ठा। कुछ लोग देवी देवताओं को जूते पहनाते हैं, उनको माला डालते हैं, उनका उनको जलाते हैं। अब ये पिछले 2-3 दिनों से पेरियार के चेले मेरे पीछे पड़े हुए। अब मैंने कहा भाई, ये पेरियार सब देवी देवताओं को जूतों की माला पहनाता है, रामकृष्ण को जूते मारता है, अब वो तो जिंदा है नहीं। यदि मेरे वक्त में पेरियार होता तो पेरियार पर इतने जूते पड़ते कि वो जिंदा नहीं बचता। लेकिन उस समय पे मैं था नहीं, क्या करूं। पेरियार ने देवी देवताओं को जूते मरवाए, वो करता था ये काम, जीते जी करता था। उसकी मूर्तियों के नीचे अभी भी लिखा है, ईश्वर को मानने वाले धूर्त होते हैं, ईश्वर का प्रचार करने वाले मूर्ख होते हैं, और जिसको भगवान कहते हैं वो सबसे बड़ा शैतान होता है। ये सब बातें उसकी लिखी हुई है। अब मैं कहता हूं भाई, ये गलत बातें हैं, क्यों डिस्ट्रैक्टिव बातें करते हो, क्यों नेगेटिव बातें करते हो। हाँ, लोगों को बोलो कर्म ही व्यक्ति का धर्म है, कर्म अच्छे करो। मैं समानता की बात करता हूं, मैं न्याय की बात, मैं इक्वलिटी की बात करता हूं, सोशल स्पिरिचुअल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता हूं, इक्वलिटी की बात करता हूं, लेकिन डिस्ट्रैक्टिव बात नहीं करता, अपने पूर्वजों को गाली नहीं देता। ये सब हमारे पूर्वज हैं, ऋषि मुनि राम कृष्ण, अपने पूर्वजों को, अपने माँ बाप को कोई जूते मरवाता है और उसको कहते हैं पेर यार महान था। आजकल मेरे खिलाफ 2-3 दिन पहले ट्रेंड चलाया, अरेस्ट स्वामी रामदेव, बायकॉट स्वामी रामदेव, बायकॉट पतंजलि। फिर हमारे वाले देर से जागते हैं, सात्विक लोग, फिर उन्होंने भी ट्रेंड चलाया सिल्यूट बाबा रामदेव, तो फिर हमारा वाला ट्रेंड कर गया, वो फिर हार गए, फिर अब चुप बैठे हैं 2-3 दिनों से, फिर और कोई पंगा करेंगे। रोज पंगे होते हैं स्वामी रामदेव के साथ, तो लोग बोलते हैं ये स्वामी रामदेव बड़ा पंगेबाज है। पंगेबाज समझते हो ना हिंदी में, और क्या बोलते हैं कन्नड़ में पंगेबाज को, कोई ना कोई रोज पंगा हो, झगड़ा झगड़ा, मतलब मैं कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करता हूं। रोज कोई ना कोई पंगा होता है, और किस बात के ऊपर। मैंने कहता हूं भाई, जो है सही रास्ते पर चलो, आपस में लड़ो मत, भेद मत पैदा करो, किसी में भी भेद मत पैदा करो। मैं तो एकत्व की एकत्वम अनुपश्यता।